एक करोड़ को कैसे लिखें, एक करोड़ कितना होता है, अभी हम सीखेंगे। बच्चों बिल्कुल आसान है, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। बच्चों आप यदि इस बेसिक्स को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके कभी कोई गलती नहीं होगी। देखिए हम इस दिशा में आगे बढ़ते हुए गणित में क्या लिखते हैं, इकाई अंक कौन से हैं आपका, एक से लेकर नौ तक। उसके बाद आता है दहाई, दहाई यानी आपका दो अंक की संख्या, जैसे 10 11। उसके बाद दहाई के बाद आता है आपका सैकड़ा, सैकड़ा यानी देखिए कहाँ पहुँच गए, 1 2 3, तीसरे स्थान पे पहुँच गए, यानी तीन अंक की संख्या, 100 200 300, ये ठीक है। उसके बाद आता है आपका हज़ार, हज़ार यानी आपकी चार अंक की संख्या, जैसे 1000 2000 ऐसे, ठीक है। उसके बाद आता है हज़ार के बाद 10000, जैसे यहाँ गया मोना, ये एक अंक की संख्या है। उसके बाद ढाई में जैसे 10 11, ठीक वैसे यहाँ 1000 2000। उसके बाद 10000 11000 12000 13000, उसके लिए हम क्या शब्द यूज़ करेंगे, ये आएंगे आपके 10000 की रेंज में, यानी कितने अंक की संख्या, 1 2 3 4 5, 5 अंक की संख्या, ठीक है। उसके बाद देखिए आदमी हजारपति था, हजारपति के बाद कौन बन गया, लखपति। अब उसके पास रुपए आए 1 से लेकर 9 लाख तक, 9 लाख के बाद उसके पास कितने आएंगे, 10 लाख, ठीक है। लखपति के बाद वो कौन बन गया, 10 लाख में कौन आएंगे, 10 लाख 11 लाख 12 लाख 13 लाख, ये लखपति के बाद वो बन गया आपका करोड़पति, करोड़ में कौन आएगा, 1 से लेकर 9 करोड़, 9 करोड़ तक, 9 करोड़ के बाद फिर क्या आगे क्या आ जाता है आपका, 10 करोड़ आ जाता है, ऐसे चलते हैं। अब हमें यहाँ क्या कितना लिखना है, 1 करोड़ लिखना है, कितना, 1 करोड़, सिंपल है। तो देखिए 1 करोड़ पे पहुँचना, हमें कहाँ पहुँचना है, करोड़ पे, तो इसके प्रत्येक के लिए 0 0 0 0 0 0 0 और 1, देखिए कितने जीरो आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 जीरो हैं, तो 1 और इसके पीछे 4 5 6 7 जीरो, तो बच्चों यह है जो आपका 1 करोड़ आ गया। अब इसको देखिए हम कैसे समझेंगे, बिल्कुल सिंपल शब्दों में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। 1 लाख कितना होता है बच्चों आपका, जब 100000 होता है तो कितना बनता है, 1 लाख बनता है। 1000 होता है यानी इसको गुणा 10 कर देंगे, 100 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 1000, 1000 कितना बन जाता है आपका, 1000 लिखते हैं कैसे लिखते हैं बच्चों, ऐसे लिखते हैं, 1000 के पीछे कितने जीरो आते हैं, 3 जीरो आते हैं, यानी 3 जीरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, 1000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब 1000 के बाद इसको गुणा 10 करेंगे कितना आ जाएगा, ये 10000 आ जाएगा, और ये 1000 तो रहेगा, 10000 कितना बनता है आपका, 10 लाख के बाद कौन आता है बच्चों आपका, करोड़ आता है। तो देखिए इसको एक बार मत देखो, ये कितना है, 10 और 1000, आगे 1000, 10000 कितना होता है आपका, करोड़ होता है, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा।